time is not absolute in scientific terms. It is relative. Time is not an object. जिसको आप पकड़ सको, कहाँ है time? दिखाओ, छूके दिखाओ. You can't touch it. You can't capture it. Time is relative. Relative to what? Relative to your state of mind. For example, अगर आपका time कभी अच्छा निकल रहा होता है, जैसे life में कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, अभी अभी कल ही पहला प्यार हुआ है, तो उसके बाद टाइम तेज निकल रहा होता है या धीरे निकल रहा होता है? दिन निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है. ऐसा होता है, नहीं होता है? यानी जब हम खुश होते हैं, जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि लाइफ बढ़िया चल रही होती है, तो टाइम ऐसे निकल जाता है. दूसरी तरफ से देखो, अगर मैं आपको ले जा करके कहीं, डोसा वोसा खाते हो? तो डोसा जिस पे बनता है उस पे अगर ले जा करके बिठा दूं आपको, तो वहां पे टाइम कितना तेज निकलेगा? जब आपको वहां पे बिठा दिया तो कितने घंटे, कितने दिन? गरम गरम तवा है, जिसमें पानी डालते हो तो भाप बन जाता है, तो आपको भी भाप बनने में देर नहीं लगेगी. तो वहां पे टाइम तेज निकलेगा या धीरे निकलेगा? अब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम समझ आ रहा है? Yes, कि ये टाइम एक्चुअल में कहीं नहीं है. मतलब घड़ी आपके सामने है दोनों सिचुएशंस में. एक तरफ से घड़ी तेज घूमने लग गई, मतलब पता ही नहीं लग रहा टाइम निकल गया, ख्यालों में खोए हुए हो और कई घंटे निकल गए, पता ही नहीं लगा. और दूसरी तरफ से वहां से एक एक सेकंड भी कैसा निकलेगा? एक सेकंड, दो सेकंड, चल यहां तक तो, तीन सेकंड, पांच सेकंड. और बांध के बिठाएंगे आपको, ऐसे नहीं, मतलब आप चिंता मत करो, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप उछल जाओगे, नहीं, आपको बांध दिया जाएगा वहां. अब आपको बिठाया हुआ है, तो सेकंड्स भी ऐसे निकलेंगे जैसे कई साल है. तो टाइम इज रिलेटिव, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट जी, टाइम इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड. तो अगर कोई एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसका माइंड क्लियर है कि मुझे करना है, तो उसके लिए एक महीना भी बहुत है. और जो नहीं करना चाहता है, उसको 10 साल भी मिल जाए तो बहुत कम है, पूरी जिंदगी भी मिल जाए तो बहुत कम है. जिसको जिंदगी जीना आता है खुल करके, उसके लिए एक दिन भी बहुत है. और जिसको नहीं आता जिंदगी जीना, उसको 100 साल की जिंदगी भी मिल जाए तो क्या है? बुझेगा भाई, कैसी कट रही है? क्या कट रही है भाई? जिंदगी कट रही है. अच्छा अच्छा, फिर ठीक है. तो ये सारी जो चीजें हैं, अभी ये कैसे फंडे सारे क्लियर होंगे? जब ये जो बातें मैं कर रहा हूं, इन बातों को आप समझ लोगे, अब आपका माइंड क्लियर है, अब एक्चुअल में आपके लिए पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है.